जय काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, धन वैभव समृद्धि, धन वैभव समृद्धि, तुम सबकी दाता, जय काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, धन वैभव समृद्धि, धन वैभव समृद्धि, तुम सबकी दाता, रूप भयंकर तेरा शक्ति महामाई, तेरी शक्ति महामाई, छवि लखते ही तुम्हारी, छवि लखते ही तुम्हारी, काल भी डर जाए, जय काल भूत प्रेत और दानव निकट नहीं आते, ये निकट नहीं आते, खड़ग कटार के आगे, खड़ग कटार के आगे, शत्रु न टिक पाते, जय काल गर्धव वाहिनी मैया कृपा दृष्टि की जय, माँ कृपा दृष्टि की जय, निर्बल को माँ शक्ति, निर्बल को माँ शक्ति, अपनी शरण दी जय, जय काल नव दुर्गा में भवानी सातवा तेरा स्थान, सातवा तेरा स्थान, महामाया महाकाली, महामाया महाकाली, शक्ति तेरी महा, जय काल तुवे नवरात्रे को माँ तुम पूजी जाती, माँ तुम पूजी जाती, मनवांछित फल देती, मनवांछित फल देती, तुम सबकी दाती, जय काल प्रचंड ज्वाला मई हम पे दया करना, माँ हम पे दया करना, जान के सेवक अपना, जान के सेवक अपना, दुख विपदा हरना, जय काल चिंता हर ना दाती काल करे ना वार, काल करे ना विनती इतनी सीमा, विनती इतनी सीमा, कर लेना स्वीकार, जय काल रात्रि माता,
लेकर आस शरण में तेरी हम आए, माँ तेरी हम आए। सुना है खाली दर से, सुना है खाली दर से ना कोई जाए। जय काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता, जय काल रात्रि माता। धन वैभव समृद्धि, धन वैभव समृद्धि, तुम सबकी दाता। दिन की कथा मैं सुनाऊं, काल रात्रि की महिमा गाऊं। जय महामाई, रक्त बीज हननी कहलाई। तंक छाया स्वर्ग लोक सारा घबराया। स्वर्ग पे असुरों का अधिकार, मचा स्वर्ग में सभी भागे घबरा के, पहुँचे शिव के पास में जाके। से बोले शंकर, देवों की रक्षा करो जाकर। ने ध्यान लगाया, दिव्य शक्तियों को बुलवाया। श्यामल तन है, लटे है स्या,
बिजली चमकी गरजे बादल मार रही असुरों को हंस कर दैत्यों संग आया देख के चंडी को गुर्राया रण में भारी माता मार रही किलकारी तलवारे असुर गए सगरे संघारे बीज ही बचा खशे जिसका अंत था बड़ा विशेष ओ, ओ, ओ रक्त पिपासु बन गई काली हाथ उठाया खपर खाली काल लगी माँ काली कपाल पे चढ़ा है तीनों लोग मचा भूचा ओ देवों ने शंकर से जाकर विनती की है शीश नवाकर विनती सुन लो भोले ना चल के माँ को रोक लो आप ओ शिव शंकर चल के आते हैं माँ की राह में पड़ जाते हैं शिव पे माता पड़ गया पांच काली माता हट गया पांच ओ देख के माँ की चीख निकल गई दांतों से बाहर जीभ निकल गई
आदिशक्ति जय आदि भवानी, जय हो तुम्हारी मां कल्याणी। मन से ध्यालो मैया चरण में शीश झुका लो, की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काल रात्रि मैया का वृतांत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रक्त बीज का कैसे हुआ था अंत दिखाते हैं, उसका अंत दिखाते हैं। असुर नाशिनी काल रात्रि की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय कालरात्रि मां, जय 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 काली मां, जय 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 काली मां, जय जय कालरात्रि मां। नवरातों का दिन है सातवां काल रात्रि के नाम, काल रात्रि मैया के पूजन से है बनते काम। काल रात्रि माँ के भक्तों को मिले जीत ही जीत, जो चरणों में शीश झुकाता उससे करती प्रीत। काल रात्रि माता का भक्तों श्याम वर्ण है रूप, मुखमंडल पर सूर्य की आभा लगता रूप अनूप। काल रूप उज्ज्वल है नैना भव्य रूप विकराल, हाथ में थामे खंडा कप पर लगती बड़ी विशाल। सुनो ध्यान से काल रात्रि का वर्णन गाते हैं, पावन वर्णन गाते हैं। काल रात्रि मैया का वृतांत सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। से बड़ा अभिमान, रक्त बीज का वध कर पाना नहीं था भक्तों आसान। मिला हुआ था रक्त बीज को कुछ ऐसा वरदान, उसके रक्त की बूंद अगर धरती पे गिर जाती, नई छवि रक्त बीज की भक्तों फिर से बन जाती। रक्त बीज का रक्त निकल कर धरा पे जब गिरता, एक नया फिर रक्त बीज भक्तों है वहां बनता। रक्त बीज का अंत हुआ कैसे बतलाते हैं, हम कैसे बतलाते हैं। काल रात्रि मैया का वृतांत सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
भोले से अरदास। हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी बचा लीजिए प्राण, पीछे पड़ा हम देवों के रक्त बीज शैतान, शरण आपकी हम आए हैं हे शिव भोले नाथ, सर पे हमारे रख दो शंकर दान दया का हाथ। सब देवों का हाल देख के भोले मुस्काते, रक्त बीज से मुक्ति मिलेगी धैर्य बंधवाते। आ गई सबके चेहरे पर मुस्कान दिखाते, पावन कथा सुनाते हैं, काल रात्रि मैया का वृतांत बताते हैं, हम गाथा गाते हैं। रक्त प्यासी बन गई माता, अब कौन बुझाए प्यास।
देख करी थी मैया की अरदास। आगे की क्या कथा है पावन वो बतलाते हैं भक्तों वो बतलाते हैं। काल रात्रि मैया का वृतांत सुनाते हैं हम गाथा गाते हैं। शिव शंकर के पास में भक्तों आए सारी बात बताई शिव को आप ही करो उपाय कुछ तो करो आप ही उनका क्रोध शांत हो जाए। शिव शंकर जी तुरंत वहां से उठकर जाते हैं माता के रास्ते में आके लेट वो जाते हैं। पवन वेग से चल रही माता हो करके मत हो शिव की छाती पे पांव पड़ गया आया उनको हो। हाथ जोड़ सुखदेव मैया को शीश नवाते हैं मैया को शीश नवाते हैं। काल रात्रि मैया का वृतांत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं। जय माता की। प्रेमी जनों आइए आप सबको नवरात्रि के पावन अवसर पर नौ देवियों की कथा सुनाता हूँ। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च अष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माता के भक्तों आइए नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की कथा सुनते हैं आनंद लेते हैं। माता कालरात्रि का नाम सुन के दैत्य दुश्मन कांपने लगते हैं ऐसी महादेवी को शत शत प्रणाम करते हैं। नवरात्रि में कालरात्रि माता का मन से कर लो ध्यान अभय करेगी माता तुमको श्रद्धा से करो प्रणाम। जयकारा कालरात्रि मैया का बोल सांचे दरबार की नवरात्रि में नौ देवी का नवरात्रि में नौ देवी का गुणगान गाइए जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए।
गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। भक्तजनों सातवें दिन की नवरात्रि कथा में कालरात्रि देवी की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि का रूप अति भयानक है, लेकिन महादेवी शुभंकरी माता है, समस्त सिद्धियों की स्वामिनी है, शत्रुहंत्री हैं। माता काली व कालरात्रि माँ के नाम को सुनकर राक्षस कांपने लगते हैं। माता अपने भक्तों को भय मुक्त रखती है। श्री गणेश माता को प्रिय है नाम सुमिरिए, काल रात्रि माता का ध्यान कीजिए। श्री गणेश माता को प्रिय है नाम सुमिरिए, काल रात्रि माता का ध्यान कीजिए। जननी के चरणों में, जननी के चरणों में अपना सिर झुकाइए। जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए। गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नगना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कणी तैलाभ्यक्त शरीरणी, वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माता है नग्न रूप गधे की सवारी है, भयंकरी है देवी पर माता निराली है। माता है नग्न रूप गधे की सवारी है, भयंकरी है देवी पर माता निराली है। ममता मिलेगी सच्चे, ममता मिलेगी सच्चे मन से पुकारिए। जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए। गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। चंड वीराम चंड माया रक्त बीज प्रभंजनी, ताम नमामि च देवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं। काल रात्रि काल रूप बन गई थी माँ, रक्त बीज के शोणित पी गई थी माँ। काल रात्रि काल रूप बन गई थी माँ, रक्त बीज के शोणित पी गई थी माँ। माँ दिव्य शक्ति रूपा, माँ दिव्य शक्ति रूपा है श्रद्धा दिखाइए। जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए। गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। कहते हैं देवासुर संग्राम में महादेवी ने अनेक राक्षसों का वध किया, परंतु एक राक्षस ऐसा था जिसका नाम रक्त बीज था। उसका जब दुर्गा माता शीश काटती तो सिर तो अलग गिरता, पर
रक्त जहाँ जहाँ गिरता उतने ही राक्षस और प्रकट हो जाते। माता दुर्गा यह देखकर अपने भीतर से ही माँ काली को प्रकट करती हैं। वह काली खप्पर सहित प्रकट हुई और रक्त बीज राक्षसों के सिर काट के उनके सब रक्त पी गई, जिससे उनका रूप भयंकर हो गया। दुष्टों राक्षसों के समक्ष काली का रूप भयंकर ही है, पर भक्तों के लिए माता भक्तवत्सला है। भयंकरी है काली का पर भक्तवत्सला, पूजा है जिसने माँ को नवजीवन मिला। भयंकरी है काली का पर भक्तवत्सला, पूजा है जिसने माँ को नवजीवन मिला। भयमुक्त हो के माता को, भयमुक्त हो के काल रात्रि को ही ध्याइए। जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए। गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। भक्तों, माता काल रात्रि का जब काली रूप बनता है तो वह अत्यंत भयानक हो जाता है। माता के कंठ में नरमुंडों की माला, वस्त्रहीना, बिखरे हुए केश, स्मशान में निवास करने वाली हो जाती हैं। महाकाल ही उनके आक्रोश को रोक सकते हैं। बोलिए काल रात्रि मैया की। हाथों को जोड़ माता की महिमा को बाँचिए। चरणों में क्षमा मांग करके सिर झुकाइए। हाथों को जोड़ माता की महिमा को बाँचिए। चरणों में क्षमा मांग करके सिर झुकाइए। जयकार भक्ति भाव से, जयकार भक्ति भाव से निश दिन लगाइए। जीवन सफल हो माता का वरदान पाइए। गुण गान गाइए माँ से वरदान पाइए। भक्तजनों, आज हमने आप सबको माता के सातवें दिन यानी माता के सातवें स्वरूप कालरात्रि माता की कथा सुनाई। कल महामाई के आठवें स्वरूप महागौरी माता की कथा सुनाएंगे। जय माता की। जय जय सीता सुनते हैं श्री महाकाली चालीसा।
महाकाली मैया की। भक्तों, आज मैं आपको काली माता की कथा का एक बहुत ही विलक्षण अंश सुनाने जा रहा हूँ। जब रणभूमि में शुंभ निशुंभ ने भारी प्रलय मचा रखी थी, तो माता काली ने कैसे दोनों राक्षसों का वध किया था और रक्त बीज जैसे महाबलशाली दैत्य का अंत किया था, तो आइए सुनते हैं ये पावन संगीतमय कथा। मैं रक्त बीज का आज तुम्हें संघार दिखाता हूँ, मैं संघार दिखाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, दुष्ट महापापी दैत्यों की हार दिखाता हूँ, भक्तों हार दिखाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जब रक्त बीज ने स्वर्ग पर भारी आतंक मचाया हुआ था, देवता उसके भय से कांपते थे, स्वर्ग लोग में त्राही त्राही मची हुई थी, सारा देव लोग रक्त बीज से भयभीत था, सारे चिंता में डूबे हुए थे कि इस राक्षस से हमें कौन बचा सकता है। सारे देव मिलकर के माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। करे आराधना दुर्गा माँ की देव सभी मिलकर, संकट में है प्राण हमारे रक्षा करो आकर, रक्त बीज के भय के कारण हम सब भटक रहे, ना धरती ना स्वर्ग हमारा धर्म लटक रहे, दया करो हे करुणादायिनी दया दायिनी माँ, रक्त बीज से हमें बचा लो सिंह वाहिनी माँ, दुष्ट अधर्मी दानव मिलके हमें रहे ललकार, आकर के माँ रक्त बीज का करो तुम्ही संघार। क्या कहती है माँ दुर्गा मैं तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा
कथा सुनाता हूँ। करुण पुकार सुनकर माता दुर्गा का हृदय द्रवित हो जाता है। भक्तों, माँ देवताओं को वचन देती हैं, आप सब धैर्य रखें और चिंता मुक्त हो जाएं। उस रक्त बीज का अंत मेरे हाथों से शीघ्र ही होने वाला है। श्री दुर्गा जी के मुखार बिंद से ऐसे वचन सुनकर देवताओं को बहुत राहत मिलती है। के माँ वचन सभी को हो गई अंतर ध्यान, देव हुए निश्चिंत वहां से करते हैं प्रस्थान। उधर देखिए रक्त बीज का लगा हुआ दरबार, लगता है सारे ही लड़ने मरने को तैयार। रक्त बीज को ढूंढ रही है दुर्गा महारानी, करने को मन में है ठानी। क्रोध के कारण दुर्गा माँ का चेहरा हो गया लाल, ढूंढ रही है रक्त बीज को बनकर उसका काम। इसके आगे जो होता है तुम्हें समझाता हूँ, भक्तों तुम्हें समझाता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। दुर्गा माता हिमालय की वादियों में दैत्यराज रक्त बीज को ढूंढ रही हैं। इसी दौरान रक्त बीज के सिपाही दैत्यों की नजर माता के ऊपर पड़ जाती है। वो माता की सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुरंत ही रक्त बीज के पास आकर उस नारी की सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं, जो स्वयं माता दुर्गा है। रक्त बीज आदेश देता है उस सुंदरी को हमारे सामने हाजिर किया जाए। रक्त बीज के दैत्य तुरंत ही वहां पे आते हैं, रक्त बीज के मन की भावना माँ को सुनाते हैं। बन जाओ उनकी पटरानी हे महारानी, तुम राज करोगी सुनो सुंदरी बन पटरानी। सुन के बात विवाह की माँ के नेत्र हो गए लाल, गरज के बोली माँ दैत्यों से मैं हूँ उसकी काल। रण में युद्ध करे वो हमसे जा कर के बोलो, करे सामना मेरा रण में आकर के बोलो। लौट गए वो दैत्य वहां से सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। रक्त बीज के दैत्य रक्त बीज के पास आकर सुंदरी द्वारा दी गई चुनौती ज्यों की त्यों रक्त बीज को बताते हैं, जिसे सुनकर रक्त बीज आग बबूला हो जाता है और अपने सभी महारथियों को आदेश देता है कि युद्ध की तैयारी करो। हमने प्रतिज्ञा की है
कि उस सुंदरी को अपनी पटरानी बना कर के ही रहेंगे और अपनी विशाल सेना के साथ रक्तबीज माँ से युद्ध करने निकल पड़ता है। रक्तबीज दलबल के संग में उड़ के चला आकाश, पवन वेग से पहुंच गया वो माँ दुर्गा के पास। रक्तबीज माँ जग जननी को आके रहा ललकार, तेरी चुनौती और सुंदरी हमको है स्वीकार। आज पराजित करूंगा तुझको, करूंगा तुझसे प्यार, यही है मेरे मन की इच्छा, यही है मेरी चाह। मृगनयनी ओ हृदय मोहिनी अपने शस्त्र उठा, सीना ताने रक्त बीज है आगे तेरे खड़ा। दो ही क्षण में तेरा मैं अभिमान मिटाता हूँ, मैं अभिमान मिटाता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। जननी महामाया रक्त बीज के ऊपर टूट पड़ती है भक्तों, महाप्रलयंकारी घमासान युद्ध छिड़ जाता है। रक्त बीज की सेना कट कट के धरती पर गिरती जा रही थी, किंतु महामाई हैरान थी कि रक्त बीज का रक्त जहां जहां गिरता था वहीं वहीं से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होता जाता था, जो रक्त बीज के समान ही बलवान होता था। माता ने अपनी शक्तियों को आदेश दिया और उनके शरीर से ही माँ महाकाली प्रकट हुई। नेत्र लाल विकराल बदन फिर बना महाकाली का, गले हार नर मुंड सुशोभित माता काली का। खंडा खपर लिए हाथ में गरज रही माता, मर जाता सिंह गर्जना करे कालिका, गूंज रहा आकाश, काट रही दानव तल काली मार मार अट्टहास। रक्त पिशाचिनी बनी चंडिका करे रक्त का पान, काट काट असुरों को माने बना दिया शमशान। कांप उठा था रक्त बीज भी सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ, मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। संग्राम छिड़ जाता है, रणभूमि रक्त की झील बन जाती है। भक्तों दुर्गा माँ काल बनकर असुरों को काट रही थी, चंडी माता और उनकी 64 योगिनियां उन असुरों का रक्त पीती जाती हैं। ऐसे महासंग्राम को देखकर रक्त बीज कांप उठता है। माता काली खंडे के प्रहार से उसकी गर्दन उड़ा देती है और उसका सारा रक्त खप्पर में भरकर पी जाती है। भक्तों बाकी योगिनियां रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती हैं। इस प्रकार महापापी रक्त बीज का अंत हो जाता है। भक्तों रणचंडी बन महाकाली ने दानव मार दिया, तीनों लोक कांप उठे ऐसा संघार किया। क्रोधग्नि में जल रहे
शिव को सुनाते हैं। क्रोध शांत करने काली का शिव जी आते हैं। लेट गए काली की राह में शिव शंकर भगवान। शंकर की छाती पे माँ का पड़ जाता है पांव। हो जाती है शांत माँ काली, सत्य बताता हूँ भक्तों, सत्य बताता हूँ। मैं माँ काली का प्रलय रूप प्रहार दिखाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। थर कांपती हुई काली माता हुंकार भरते हुए चारों दिशाओं में डोल रही है। भगवान भोलेनाथ उनकी राह में लेट जाते हैं। माता महाकाली जी का पांव शंकर भगवान की छाती पर पड़ जाता है भक्तों, और माता को बड़ा ही पछतावा होता है कि भगवान भोलेनाथ की छाती पर मैंने पांव रख दिया है। प्राश्चित के स्वरूप माता काली की जिह्वा दांतों तले आ जाती है। भक्तों, कथा लिखने में जो भी त्रुटि हुई हो, मैं सुखदेव आप सभी से क्षमा मांग रहा हूँ। एक बार फिर बोलिए मैया महाकाली की। शिवा
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
बीज को भी मार गिराए। जय 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 काली माँ, बीज को भी मार गिराए। जय 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 काली माँ। हे महाकाली खप्पर वाली, आया हूँ मैं यहाँ, दर्शन दे दो हो मोरी मैया, आ जाओ मेरी माँ।
तेरी